देखो, जो तुम्हारे पास पावर ऑफ लेंस है, ठीक है, समझना, ठीक है, लेंस यहाँ पर दोनों आएंगे, कॉन्वेक्स भी आएगा, ठीक है, और कॉनकेव भी आएगा, ठीक है, कॉन्वेक्स भी आएगा और कॉनकेव लेंस आएंगे, दोनों मिरर की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। पावर का ना देखो, डायरेक्ट पावर का मतलब होता क्या है, ठीक है, पावर का मतलब ये होता है कि जैसे कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं, कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये पढ़ा था ना हमने, ठीक है, ये करता है लाइट को कन्वर्स करता है। और जो हमारा कॉनकेव होता है, ठीक है, ये कॉनकेव क्या करता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, क्यों, क्योंकि लाइट क्या करता है, डाइवर्स करता है ये, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे पावर का मतलब ये होता है कि कितना ज्यादा कन्वर्स कर सकता है और कितना ज्यादा क्या कर सकता है, डाइवर्स कर सकता है, समझ में आ गया, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ना, किसी दो बच्चे ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, किसी के पास चश्मा लगा हुआ, तो दोनों में क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, क्या दोनों की पावर एक जैसी होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, अभी हो सकता है, क्या पता किसी की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, किसी की कन्वर्जिंग पावर क्या हो, कम है, ठीक है। तो पावर का मतलब ये होगा कि ना पावर एक डिग्री है, सिंपल है, पावर एक वैल्यू होगी, वैल्यू बोल सकते हैं, जितना वो क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ट करता है, डाइवर्ट कर सकता है, डाइवर्ट कन्वर्ट कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। निकालते कैसे, देखो पावर का हमारे पास ना एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा, 1/फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ पता है ना, फोकल लेंथ में आप पढ़ी रखा है, ठीक है। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ। साथ में एक चीज और इम्पोर्टेंट याद रखनी है, जो फोकल लेंथ होती है ना, ये हमेशा फोकल लेंथ हमेशा किसमें होती है, मीटर में होती है, ठीक है। अगर हमें कभी सेंटीमीटर में गिवन हो, एमएम में होता नहीं है, एमएम में होगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कभी हमें मीटर में गिवन ना हो तो हम कन्वर्ट करेंगे इसको। बाई चांस हमें फोकल लेंथ में गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा, 0.20 मीटर, समझ में आ गया ना क्या ये, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी ना हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ यूज करेंगे, 1/फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमेशा किसमें होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। लिखो फिर बराबर से डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, उसके नीचे लिखो पावर, पावर लाइन चेंज करके लिखना, पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, हमेशा फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में, ठीक है। फॉर्मूला लिखो डायरेक्ट, पावर इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, ब्रैकेट में लिख देना, ये किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। बचपन ही मेरा भाई है, तो मेरी बहन हो, इसको ले तुम्हारा भाई हो, लिख दिया। पावर इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, ये किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ मत देखो, अब इधर सिंगल, उधर देखो, अरे भाई नितिन क्या हो गया, मेरा कल वाली मूवी भूल गया तू, हैं? मैं इसका रोल नहीं था ना कोई, हाँ कहाँ है तू, हाँ भाई, देखो, ये कोई बोल रही है तुझे, देखो, इधर समझो, इधर फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि पावर, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, इस इनवर्सली, ठीक है, पता है इनवर्सली का मतलब क्या होता है, क्या होता है मुझे तो बताओ, अपने मन में ही बोलते रहे, ठीक है। इनवर्सली का मतलब ये पढ़ा था ना कि हम ऐसे लिख सकते हैं, जो पावर है ना वो फोकल लेंथ की क्या होती है, इनवर्सली होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं किसी की फोकल लेंथ को क्या करता हूँ, ज्यादा करता हूँ, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं किसी की फोकल लेंथ कम करूंगा, ठीक है, मतलब उल्टा चलेगा, मतलब अगर ये वाली वैल्यू अगर मैं कम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अगर मैं ये ज्यादा करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, उल्टा चलेगा। तो इनवर्सली का मतलब सिंपल यही है कि जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, जिसकी लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, उसकी पावर क्या निकलेगी, हमेशा कम निकलेगी, ठीक है। लिखो उसके नीचे, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, मंडे से भी नया चैप्टर स्टार्ट केमिस्ट्री का। छुट्टी है, आपको बताऊंगा मैसेज में, हो गया लिख दिया। आज तू भी नहीं आती, परसों तो
मुझे मार। देखो इसके बाद देखो, इसकी कुछ ऐसे यूनिट भी होती है, पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता पावर की ऐसे यूनिट? वॉटमैन बोल देना बस, वो पावर इलेक्ट्रिसिटी वाला लगे या लगे, पता है किसी को? जूल। लिखो डायोप्टर, लिखो ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, कैपिटल डी। ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, कैपिटल डी। पावर के यूनिट वाट भी होती है, बट वो किस में होती है? इलेक्ट्रिसिटी में होती है ना। फॉर्मूला अलग होता है वहां पर, V into I, यहाँ अलग है। ठीक है, और पावर नापते किससे? पावर किससे नापते हैं पता है? अरे तुम बातें ना करो, मैं तुम पूछ रहा। हाँ, किससे नापते? लिखो पावर इज मेजर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट, पावर इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट डायोप्टर मीटर, डायोप्टर मीटर। जिसको चश्मा लगा हुआ उसको पता होगा डायोप्टर मीटर क्या है, पता है भाई? हाँ भाई सुशांत पता है, भाई चश्मा कहाँ से लगवाया ये? बीच में मुझे उल्टा सीधा बोल रहा, घर वालों पे क्यों लेके जाते हो बात? पागल तो यही सारे। हाँ भाई एक तो से चश्मा लगा हुआ, ऊपर से उसका मजाक उड़ा रहे तुम। अगर मैं बोल दूंगा उसकी कि विक्की की एक मार मार जरा विस्की जरा, उस टाइम में तेरे मारने के लिए तैयार होता ना एक देश के। एक तो पहले करते मार रहे हैं बप्पा जरा ने उसके, केसर को बोलता ना मैं, निखिल को बोलता अभी, अभी तक तो उसके तीन चार बढ़ गए थे। बताओ अभी यहाँ पता होगा किसको डायप्टर मीटर, पता है? पता है उसको बाकी ने तो कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, मैंने भी देखा है कि मैं भी गुजरा हूँ इसी दौर से। ठीक है सुन लो, वहाँ पे क्या होता है जैसे ना एक मशीन होती है ऐसे करके, आप सुन लो आएगा चेकअप अलग होता है उसमें, तो जिससे पढ़ाते हो तो विजन चेक करते हैं कि हमारा विजन है कि नहीं, 6x6 जो होता है। ठीक है, डायप्टोमीटर क्या होता है? एक मीटर होता है, ठीक है, एक मशीन होगी ऐसे, उसमें ना आप चिन्ह रखते हैं। ठीक है, लाइटेज आती है अंदर से ब्लू कलर की या रेड कलर की। ठीक है, और लाइटेज ना हमारी पलकों के अंदर जाती है, तो उससे पावर नापे जाते हैं कि हमारी लेंस की पावर क्या है। ठीक है, तो वो डायप्टोमीटर मतलब कभी जाओगे वहां पर देख लेना, कभी अगर आई चेकअप कराओगे तो। ठीक है, वो जो रीड करते हैं नंबर वो नहीं होता डायप्टोमीटर, एक तो रीड कराते हो तो दिखा होगा नॉर्मल कि वो जैसे नंबर रीड कराते हैं वो लेंस लागे, वो लेंस अलग होता है डायप्टोमीटर अलग होता है। तो डायप्टोमीटर डिवाइस है जो किसको नापता है? उसकी पावर को नापता है। ठीक है, वो मतलब कोई ऐसे बोल दो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर खुद ही रीडिंग की आ जाती है, फिर खुद ही प्रिंट होकर आती है जो भी तुम मुझे दिखा देती हो फोन में। ठीक है, लिख दो डायप्टर कैपिटल डी। ठीक है, ब्लर दिखता है ना, वो उसमें दिखता है ना ब्लर, क्योंकि उसमें से छोटी सी ब्लर की हवा भी आती है अगर देखा होगा भी। ठीक है, उसमें हवा आती है वो हमारी आई पलकों के डैड अंदर गिरती हो, उस टाइम बोलते हैं कि पलके नहीं जब पानी चाहिए मतलब बोलते हैं वो। ठीक है, तो क्या करते हैं जैसे आई उसमें एकदम गिरती है ना जब, ठीक है, तो लेंस के ऊपर एकदम से ब्लर हो जाता है, इसलिए तो ब्लर सा दिखता है हमें, ऐसा लगता है कि अंधेरे प्रोग्राम को क्या। ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो, अरे इधर देखो बीच में ना बोलो, पावर है ना, पावर दोनों की होगी। ठीक है सुन लो, ये कॉन्वेक्स का भी होगा और एक इसका होगा कॉनकेव का भी होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स का ना जो फोकल लेंथ होता है, मैं ध्यान से समझा मैं इसको, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल यूज होगा। फोकल लेंथ जो होती है ना पावर की, वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है कॉन्वेक्स की, याद है? कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स तो ऐसे बनता था और इसकी ये कहां पर ली जाती थी? इधर पे होती थी इसकी फोकस, यानी कौन सा होगा? पॉजिटिव। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, खुद ही सोचो अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये मीटर में होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो जब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखूंगा तो ये पावर भी कितना आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 1/2 प्लस का 2 है तो आंसर प्लस का ही आएगा ना। तो इसका मतलब कि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स होता है ना उसकी पावर क्या होगी? पॉजिटिव डायोप्टर। समझ में आ गया नहीं? ठीक है, और अगर कॉनकेव लगा है तो कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है, अगर हमने पढ़ रहा था कि जो कॉनकेव होता है इनकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव में होती है, याद है ना? कॉनकेव ऐसे बनता था कुछ, ठीक है, और फोकल लेंथ कहाँ पे होती थी इसकी? इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होगी तो इस केस में जो तुम्हारा पावर होगा ये वाला क्या आ जाएगा? माइनस का डी आ जाएगा। ठीक है, तो कभी ना अगर तुम जैसे अगर किसी उसमें देखोगे ना प्लस डी लिखा होगा तो समझ जाना फोकल लेंथ किसका होगा? कॉन्वेक्स का होगा। प्लस डायप्टर किसका होगा? कॉन्वेक्स का। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है बस। ठीक है, मैं तुम्हें डेड बोल देता कि प्लस माइनस पर हम इससे लेट कर रहे हैं उसको। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
अगर ये नेगेटिव है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो याद रहना कि कॉन्वेक्स की पावर क्या होती है, प्लस डायरेक्टर, और कॉन्केव की पावर क्या होती है, माइनस डायरेक्टर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे बना के लिख दो लाइन में, तो लिखाना ना पूरी ऐसे बना के लिख दो, ऐसे आसान है। लाइन किसके लिख देना, एक तरफ कॉन्वेक्स, एक तरफ कॉन्केव, प्रोपेलेंट पॉजिटिव, डायरेक्टर ये पॉजिटिव। जिसको चश्मा लगा हुआ तुम्हें पता है तुम्हारे पे कौन सा लेंस लगा हुआ, ऐसे लगा दिया कौन सा है, सुशांत बताएगा कौन सा है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पास के नजर वो है कमजोर या दूर की, पक्का कितने डॉक्टर का लगा हुआ ये पता है, कॉन्वेक्स लगा हुआ और माइनस लगा होगा है ना भैया, कॉन्वेक्स लगा हुआ कॉन्वेक्स प्लस कैसे हो सकता है भाई, प्लस का लगा होगा ये पता है ना, पता जल्दी कुछ नहीं दीपांशु को पता है कौन सा लेंस लगा हुआ, ये लेंस का है ऐसी है, कौन सा लेंस है, कौन सा ब्लू कट होगा, कौन सा वाला अपर, कौन सा है कॉन्वेक्स कौन के भी नहीं पता कुछ, ये अच्छा लग रहा था उठा के पहन लिया, आंसर कलर को तो पता होगा कौन सा है शायद, तुमने चश्मा लगा था तुम्हें पता तो होना चाहिए, पता है तुमने चश्मा लगा था जिसने उसको पता होना चाहिए, ठीक है कि तुमने कौन सा लेंस लगा था, तुम्हारा पावर कितना डायरेक्टर है। ठीक है, सुन लो जब जाओगे ना आई चेकअप में, अभी तुम्हारे जाओगे जिसको लगा हुआ चेकअप में तो जाते होंगे शायद डेढ़ दो महीने में एक साल में कभी तो जाते ही होंगे। ठीक है, तो वहां पे ना एक बार ये पूछ रहा है कि हमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, ऐसा लिखा रहता है पर्चे में सब कुछ। ठीक है, कौन सा लेंस है और कितना डायरेक्टर का है। ठीक है, फिर ये भी देखना कि तुम्हारी पावर कम हो रही है ज्यादा हो रही है, अगर पावर ज्यादा हुई तो क्या हो रहा, आंखें ज्यादा और ज्यादा खराब हो रही होंगी, और पावर अगर कम हो रही तो इसका मतलब आंखें क्या हो रही ठीक हो रही होंगी। ठीक है, तो पता भी होना चाहिए तुम्हें जिसको चश्मा लगा रहा था कि कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा वाला ये है। ठीक है, लिखो फिर न्यूमेरिकल, पता होना चाहिए थोड़ा सा जिसको चश्मा लगा रहा उसको तो पता ही होना चाहिए। लिखो अ कॉन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन लिखो अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ, हाँ जी क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स, क्या निकालना है पावर, व्हाट इज इट्स पावर, कर लोगे मैं करूँ कर लोगे, पावर कितना आ गया 10 प्लस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे डायरेक्टर, तो पावर के आगे साइन जरूर लिखना प्लस माइनस। ठीक है, प्लस का होगा तो कौन सा लेंस लगा होगा कॉन्वेक्स, और ये बनता है क्वेश्चन में प्लस डायरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो, इजी से क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। A person uses a concave lens of focal length 50 centimeter. What is the power of the lens? What is the power of the lens?
कॉनकेव है, फोकल लेंथ किस में लोगे? नेगेटिव में। साइन कन्वेंशन खुद ही लगा देना, यहाँ भी साइन कन्वेंशन चलेंगे, माइनस टू डैप्टर। कितना रहा माइनस टू? सिंपल ये वो 50 को चेंज करोगे 50 सेंटीमीटर अपॉन कितना हो जाएगा 100 है ना, कितना आएगा 1/2 आएगा। फिर सेम वही 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा नेगेटिव का। नेगेटिव का पता नहीं क्यों लेंगे उसको, क्योंकि फोकल लेंथ किसके कॉनकेव की, तो माइनस टू डैप्टर। थर्ड क्वेश्चन लिखो, अ थिन लेंस, अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज द नेचर, एंड व्हाट इज द नेचर। नेचर क्या होगा, नेचर का मतलब कि ये कौन सा लेंस है, तो कौन सा होगा कॉनकेव, क्योंकि नेगेटिव में है पावर, नेगेटिव में इधर का फोकल लेंथ। पावर निकाल लोगे, फटाफट से निकाल दो जरा, फिर 25/100 चेंज करोगे मीटर में 1/4, तो कितना आ जाएगा 4 डैप्टर, माइनस का 4 डैप्टर। सिंपल क्वेश्चन, एक तो पावर इक्वल टू -4 डैप्टर, नेचर इक्वल टू कॉनकेव लेंथ, ठीक है, हो गया ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बस एमसीक्यू में, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन हमें गिव, ऐसे क्वेश्चन आते ही आता है पेपर में, ठीक है, और पेपर ज्यादा कुछ टफ नहीं आएगा। पेपर में तुम्हें दिखाऊंगा पिछले साल के, तुमने सारे पेपर करे ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने कोर्स पूरा नहीं करा, ठीक है। जब पेपर करेंगे ना, सैंपल पेपर में फर्क दिखाऊंगा और पेपर में फर्क दिखाऊंगा, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। सैंपल पेपर थोड़े से टफ होंगे, सैंपल पेपर, ठीक है, जो सीबीएसई देता है, ठीक है, वो थोड़े टफ होंगे, थोड़े क्या, ये मान लो कि 4-5 गुना टफ होंगे, ठीक है। और पेपर जब करेंगे ना एमसीक्यू में, तो मैं ऐसे पैटर्न बताऊंगा करने का, एमसीक्यू पैटर्न का, कि जो शुरू के 20 मिनट होते हैं ना, उसमें सारे एमसीक्यू हो जाएंगे, सारे एमसीक्यू, ठीक है, 10 के 10, ठीक है, मैथ्स के बता रहा हूँ मैं, साइंस के 10 मिनट, ठीक है, साइंस के 10 मिनट, मैथ्स के बता रहा हूँ 20 मिनट, ठीक है। साइंस में होगी, साइंस में ऐसा होगा ना, पढ़ोगे आएगा तो ठीक है, वरना क्या करोगे, छोड़ दोगे उसको, ठीक है भाई, उसमें और कुछ थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। मैथ्स में तो कैलकुलेशन लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व भी करोगे, साइंस में दौड़ना होता है। साइंस में ऐसे पूछ रहा था, द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, अगर लिखा था नेगेटिव पॉजिटिव नॉन जीरो, ऐसे लिख रहा होगा तो नेगेटिव टिक लगाओगे, कुछ सोचने का मतलब नहीं, आता होगा तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा मतलब उसमें, तो साइंस वाले जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी ऐसे होता है, बायोलॉजी के तो और भी आसान होते हैं एमसीक्यू, ठीक है, अगर पढ़ रहा था तो, ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर है ना एबीसीडी है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम्हें पढ़ाऊंगा उसके बाद, अगले साल ऐसा ना बोलो, लिखो द पावर ऑफ अ लेंस है, अगले साल से कहने का मतलब है जनवरी में, मतलब समझ रहे, द पावर ऑफ अ लेंस इज +2.5 डायोप्टर, प्लस लगाना उसके आगे, +2.5 डायोप्टर, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज इट एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ, कौन सा लेंस होगा ये, कॉन्वेक्स, पता ना कॉन्वेक्स क्यों है, मतलब लिखा है इसमें सिंपल से, क्योंकि उसका आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ठीक है, फटाफट से कर लो फिर जरा, फोकल लेंथ निकाल के दे दो मेरे को, कितना आएगा, सेंटीमीटर में चेंज कर दो उसको, जो आंसर तुम्हारा आ रहा ना उसको सेंटीमीटर में आ रहा हो ना, तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 40 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करना सबको आता है ना, मल्टी
निकाला था 100 कर दोगे। पेपर में ना ऑप्शन में 40 सेंटीमीटर भी होगा 40 मीटर भी होगा, किस पे टिक लगाओगे फिर? यूनिट का बहुत ध्यान रखना पेपर में, यूनिट ही गड़बड़ कर देती है बस। होगा सबका, होगा पीछा लगा होगा सबका। तुम पैन की खाते रहते हो, खाना नहीं मिलता घर में, मैंने आ जा करो दिन में भैया कल से देखो अगला क्वेश्चन लिखो। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। Forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens. If the image is आगे देखो from the lens के बाद stop लगा देना। If the image is of the same size as the needle, आगे देखो comma, where is the needle placed in front of the lens. Also find the power of lens. ठीक है? अब मुझे एक बार बताओ, ट्यूशन कल रखो या वर्कशीट दे दो, मंडे को दिखाओगे? क्या करो? वर्कशीट में सिर्फ माइकल होंगे इस वाले के? क्या करो बताओ? अब ये मुझे नहीं पता कितने होंगे, वो तो देखने पड़ेंगे। अगर वर्कशीट दूंगा तो फिर कल मत आना, फिर परसों सीधा माइकल दिखाना। और अगर कल ट्यूशन होगा तो फिर कल वो अच्छे नहीं कर लेंगे। कल पेपर किस चीज का है भाई? अभी किस पेपर में कौन पढ़ता है? ऐसे बोलते हैं पढ़ता हूँ मैं, अगर मैथ्स पेपर में नहीं पढ़ते इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। चलो पहले इस क्वेश्चन को करो, जरा सर आया क्वेश्चन ये, थोड़ा दिमाग लगाओ। इमेज फॉर्मेशन याद है? एक इमेज फॉर्मेशन में ऐसा होता था कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज एक जैसा बनता था। कहाँ पर बनता था? 2f पे, सेंटर को कॉनकेव में लेंस में मिरर में होता है। देखो उसको ऐसे बोलो ना, सुन लो, जो तुम्हारा कॉन्वेक्स है ना, ये तो गिवन दे दिया कॉन्वेक्स, सुन लो क्वेश्चन ने क्या बोला। कॉन्वेक्स के साथ ना वो इमेज कौन सी बना रहा? एक तो बना रहा है रियल इन्वर्टेड, ठीक है। साथ में उसने बोला कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है, जितने साइज का तुम्हारा क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, और जितने साइज का तुम्हारा क्या होगा इमेज होगा, दोनों की जगह क्या है बराबर है। मेरी बात ध्यान से समझना भाई, ये वाला केस ना तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, ये वाला ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एफ डैश हो गया, ये क्या हो गया 2f। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर रखते हैं, याद है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया जाता है, तो ये एफ हो गया और ये वाला क्या हो गया 2f, तो इसकी इमेज क्या बनती है यहाँ पर, ठीक है। और साथ में एक चीज और बताया था, इन दोनों का साइज क्या होता है, एक बराबर होता है, ठीक है, तभी होता है जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रख के इमेज आ, ठीक है। हमें कुछ गिवन था क्वेश्चन में, क्या गिवन था? देखो, a convex lens form a real inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens. Needle का मतलब object यहाँ रख रखा होगा, ये वाला तुम्हारा क्या रख रखा object, देखो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला तुम्हारा क्या रख रखा, ये वाला तुम्हारा क्या होगा इमेज। सारे डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं? हर डिस्टेंस यहाँ से नापा जाता है। तो उसने ऐसे बोला हुआ सिंपल कि अगर मैं ना इसको अगर 50 सेंटीमीटर में रखूंगा, ठीक है, तो बताना पावर क्या है, पावर बोला लास्ट में पावर, ठीक है भाई। पावर के लिए क्या चाहिए होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f फोकल लेंथ चाहिए होगा। अब देखो अगर ये 50 पे है, टोटल अगर 50 है तो आधा कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। पर तुम्हें अगर यही नहीं पता होगा कि 2f पे रखने पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर, तो कर लोगे इसको कर ही नहीं पाओगे, तुम्हें इमेज फॉर्मेशन ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखना कि 2f पे जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है, मैंने पेपर में दिया था क्वेश्चन अभी दिया था, जो तुमसे बार बार कंफ्यूज होते हो, मिरर का क्वेश्चन था वो भी सेम ये था कि ऑब्जेक्ट और ये दोनों बराबर तब होते हैं जब f सेंटर वेचर पे रखा जाता है, वहां पे सेंटर वेचर, यहां पे 2f।
इमेज यहाँ पर बनेगा, तो ये दोनों क्या होंगे, ये 50 से तो आधा कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब तुम्हें फोकल लेंथ कितना देगा, 25 सेंटीमीटर, निकाल दोगे पावर, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इधर की तरफ है ना, तो क्या लेंगे नेगेटिव, निकालो पावर बता बता, हेलो जाएगी तो कॉन्वेक्स का प्लस में होता है, ये प्लस लिखो उसको, हम इधर से नाप रहे हैं इसलिए कन्फ्यूज हो गया, पर इसका रियल फोकस इधर होता है, कॉन्वेक्स का प्लस लिखना, प्लस में आएगा आंसर, माइनस के प्लस आएंगे, प्लस कॉन्वेक्स का प्लस होता है, मैंने पहले माइनस गलती से लिख दे रहा हूँ, देखो चलो यहाँ पर देखना, कौन बताएगा क्या मतलब है इसका, अच्छा तुम में से किसको चश्मा लगा हुआ ना, तो किसी के उसमें दो लेंस भी लगे हुए एक ही चश्मे के अंदर लगे हुए, किसी के उसमें लगे हुए कुछ नहीं होता, दोनों एक साथ, ये दो कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कॉन्वेक्स कॉनकेव होंगे, सुन लो इधर सुन लो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस का मतलब ये होता है, देखो जो लिखा रहा ना उसका मतलब समझाता हूँ, पहले एक डायग्राम बनाते हैं, देखो एक लेंस है, ठीक है, एक लेंस है, कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स, ठीक है, मैंने इसके बगल में ना, ठीक है, इसके बगल में चिपका के, ठीक है, मतलब थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा तो एकदम चिपका के लगाएंगे, ठीक है, बगल में कौन सा लगा दिया है, कॉनकेव, ये वाला क्या हो गया, कॉनकेव, ठीक है, फिर मैंने इसके साथ दोबारा एक कॉनकेव लगा दिया, ठीक है, ये सारे के सारे क्लोज कॉन्टेक्ट में होंगे, मतलब ये ऐसे मान लो कि सबके सब क्या होंगे, ये ऐसे चिपके हुए होंगे ये, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या बन गया ये, कॉनकेव मान लो उसको, ठीक है, अगला वाला क्या हो गया, अगला वाला लगा दिया मैंने क्या, कॉन्वेक्स लगा दिया, ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस का मतलब ये होता है कि ना जब एक से ज्यादा लेंस आते हैं, पहले वाला लेंस क्या मान लेते हैं, पी वन मान लेते हैं पहले वाले लेंस को, ठीक है, सेकंड वाले लेंस को हम इसकी पावर, ठीक है, जो ये वाला जा रहा था ना, ये वाला लेंस जा रहा था यहाँ से आता, इसकी पावर को क्या मान लेता हूँ मैं, इसकी पावर को मान लेते हैं पी टू, क्योंकि सबकी पावर अलग अलग होगा, फिर दूसरा एक लेंस ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है, इसकी पावर को क्या मान लेते हैं पी थ्री, और इस वाली पावर को क्या मान लेते हैं पी फोर, समझ आ गया ना ये, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ नहीं है, उसने ऐसे बोला कि अगर मैं दो से ज्यादा लेंस को अगर आपस में रखूं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो ऐसा बोल रहा था, इफ द नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस इन क्लोज कॉन्टेक्ट, यानी कि अलग अलग लेंस को मैं अगर आपस में चिपका के रख दूं अगर, ठीक है, देन द पावर फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी कि इस पूरे की पावर, ये सबको मिला के क्या बन जाएगा, एक लेंस बन जाएगा ना सबको मिला के, अगर मैं सारे लेंस अगर एक साथ रख दूं लेंस बन जाएगा, तो इसकी जो टोटल पावर है, ऐसे बोल देते हैं कि जो इसकी टोटल पावर है या कॉम्बिनेशन पावर है, ठीक है, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस, यानी कि हर एक का ना एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम कुछ नहीं है, एल्जेब्रिक यानी कि इन सबको सिंपल प्लस कर दो, पी वन प्लस अगला वाला कितना हो जाएगा पी टू, अगला वाला कितना हो जाएगा पी थ्री, अगला वाला क्या हो जाएगा पी फोर, ऐसे अगर पांच लेंस लगे तो क्या आ जाता है पी फाइव, ऐसे अगर छह लगे होते तो ये फॉर्मूला चलता रहेगा आगे तक, समझ में आ गया ना ये, ठीक है, बोल बोल बोल, ठीक है, कैलकुलेट कुछ नहीं करना अभी तो वैल्यू दी नहीं मैंने, कैलकुलेट कैसे कर लेंगे हम, ठीक है, सेम आंसर का मतलब, ठीक है, P इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर मैं ऊपर जो डायग्राम बना रखा ना, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस कर देंगे, समझ आ गया ना ये, ठीक है, इधर देखो आप क्वेश्चन में ना, इधर सुन लो पहले, अगर क्वेश्चन में यूज क्या करते हैं, इसका पावर किस में होगा, माइनस में प्लस में, कॉन्वेक्स का अभी बताया था पॉजिटिव होगा ना, तो यानी कि जो P1 का वैल्यू होगा, P1 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव फैक्टर होगा, अभी बताया था मैंने क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, दूसरा कौन सा लगा रखा, कॉनकेव, कॉनकेव का क्या होता है नेगेटिव, तो इसका वैल्यू किस में यूज करेंगे, नेगेटिव डायरेक्टर, ये हो जाएगा ना ये,
थर्ड वाला पी थ्री, पी थ्री हमें कौन सा दे रखा, कॉन्केव दे रखा, इसका भी हम किस में यूज करेंगे, नेगेटिव। पी फोर हमें कौन सा दे रखा, पॉजिटिव वाला, इसका क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल समझाता हूँ डायरेक्ट। अगर हमें ना इसका वैल्यू सपोज ऐसे दे रखा, प्लस का टू डायरेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं माइनस का 2.5 डायरेक्टर, इसको मान लेते हैं माइनस का 4.5 डायरेक्टर, और इसको मान लेते हैं हम 6 डायरेक्टर, ये मान लेते हैं प्लस का 6 डायरेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, हम टोटल पावर निकालते हैं, जो फोर लेंस बनाना है इसकी पावर निकाल लेते हैं। देखो पावर में कुछ नहीं करना है, इन सबको ना बस तुम्हें न्यूमेरिकली ऐड करना है। ठीक है, कैसे, देखो पावर यहाँ पे लिख दो, मैं दिख रहा हूँ सबको पीछे से, पावर पहले हमारा पावर कितना हो जाएगा, टू डायरेक्टर हो जाएगा, टू कितना हो जाएगा, प्लस का टू, साइन के साथ ध्यान रखना, प्लस ये वाला पावर, ये वाला कितना है, माइनस का टू है, तो ऐसे लिखना है इसको, माइनस का टू डायरेक्टर, माइनस का 2.5। पी थ्री का वैल्यू कितना है, माइनस का 4.5, तो माइनस का 4.5 प्लस पी फोर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। इसके बाद देखना ये वाला प्लस का टू ऐसे आएगा, ये वाला प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का आएगा, ये भी माइनस का, तो माइनस का 2.5 माइनस का 4.5 प्लस का 6, तो पावर कितना आ गया, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो गया, है ना, 4, 6, 7, और ये कितना आ जाएगा, 4, 2 यहाँ पे 7 जाएगा टोटल, पता नहीं 7 कैसे होगा, प्लस करके पावर इक्वल टू कितना आएगा, प्लस का 1 डायरेक्टर। तो जो तुम्हारा ना प्लस का 1 लिखेंगे, तो यानी कि इसका मतलब ना ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, चार लेंस को मिला के एक लेंस बना दिया होगा, ये प्लस का आ रहा है, तो प्लस का मतलब किसके तरह एक्ट कर रहा होगा, एक कॉन्वेक्स के तरह एक्ट कर रहा होगा, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, पेपर में आता है दो नंबर का, ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, दो नंबर का भी आ सकता है, जितने भी लेंस कॉन्टेक्ट में लगे होंगे ना सबके पावर निकालने, बस याद कर रखना है साइन कन्वेंशन, यानी कि अगर हमारे पास अगर कॉन्वेक्स चल रहा होगा तो पावर किसमें लिया जाएगा, पॉजिटिव में होगा, सिंपल सी बात है, और अगर हम कॉन्केव यूज करेंगे तो पावर किसमें यूज किया जाएगा, फिर नेगेटिव में। ठीक है, बता रहा हूँ, हाँ पूरा बनाना है जो लिखा हुआ, तभी समझ में आएगा कुछ।